हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पति बाबू का सुबह का टिफ़िन, जो मैं अक्सर बनाया करती थी। तो मेरे फ्रिज में रखा था करेला, बैंगन, आलू। अब ऐसी कोई भाजी नहीं थी कि जिसे सिंगल ही बनाऊँ, या करेला बना लूँ, या बैंगन या आलू। तो मैंने सोचा क्यों ना बैंगन, आलू और करेले का एकदम अलग तरीके की सब्जी बनाऊँ, जो आपके वो बहुत पसंद आए पति बाबू को। तो चलिए बिना देर किए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। करेला, बैंगन और आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो करेले को छीलकर दो तीन पानी अच्छे से धोकर मीडियम साइज़ में कट कर लिया, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर बैंगन को भी अच्छे से धोकर कट किया, जो एक्स्ट्रा पार्ट थे इसके निकाल लिया, और बैंगन को चेक किया कि कहीं ये कीड़े वाले तो नहीं है, और इसके भी चार भाग कर लिया, लेकिन पीछे से हमने इस तने को नहीं निकाला, अलग नहीं किया। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रख दिया एक गिलास पानी और स्टैंड, उसी के साथ जाली वाली ये प्लेट रखी, और इसके बाद जो सब्जियाँ हमने कट की थी रफली ही बड़ी बड़ी पीसेस में, आपने देखा पहले ही, तो इसे हम स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। क्यों स्टीम करनी है आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आलू, बैंगन, करेले की बहुत सारी रेसिपी खाई होगी, एक बार इस तरीके से बनाओगे ना तो आप अपनी सारे तरीके भूल जाओगे। तो यहाँ पर बीच बीच में चेक कर रही थी कि करेला हल्का सॉफ्ट हो जाए, बैंगन और आलू, इससे ये होगा कि जल्दी से हमारा जो करेले, बैंगन, आलू की रेसिपी है फटाफट बन जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया था और मैं मसाले तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर एक प्याज, उसी के साथ दो हरी मिर्च, मिर्च कम ज़्यादा वो अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, चार पांच लहसुन की कलियाँ, और दो बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने डाला भुना हुआ चना, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक चम्मच छोटा जीरा और छोटा चम्मच राई। यहाँ पर आप पंचफोरन भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ऐसे ही सूखे ग्राइंड किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लिया, और यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई। हमें सिर्फ 50% ही इसे पकानी है। कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे, और उसके बाद जो सब्जियाँ हमने थोड़ी सी स्टीम की थी कढ़ाई में अच्छे से भून लेंगे। वैसे करेले, बैंगन और आलू की सब्जी तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है कैसे भरवा बनाते हैं अलग अलग तरीके से, तो ये एकदम बिल्कुल अलग तरीका है। तो इस बार एक इसे ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसे मैं हाई फ्लेम पर भून ले रही हूँ, इससे जो कलौंजी का हल्का सा ऊपर का हिस्सा डार्क हो जाता है तो अच्छा लगता है, अलग सा लगता है। तो इस तरीके से भुनेंगे तो बिल्कुल ये जो हमने स्टीम किया पता भी नहीं चलेगा, और आपकी सब्जी जल्दी से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं नमक डालकर 5 मिनट के लिए इसे ढककर ऐसे ही छोड़ दूँगी, और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने में खुशी मिले। तो यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच हमने राई का तेल डाला, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला, इससे काफ़ी अच्छा सब्जी का कलर आता है। जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मसाले को भूनेंगे। मसाला पक गया है, ये कैसे पता चलता है, जब आपका मसाला तेल उसमें से अलग होने लगे तो समझ जाइए कि आपका मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। तो थोड़ा सा मिक्सर में मसाला लगा था तो पानी डालकर मैंने इसे भी मसाले में ऐड कर दिया, और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाया। उसके बाद इसमें बेसिक मसाले डाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। यहाँ पर थोड़ा मैंने नमक ऐड किया क्योंकि हमने पहले ही सब्जी में थोड़े मसाले नमक डाल दिए थे। तो हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल मसालों से अलग होने ना लगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे तो मसाले से तेल अलग हो गया हल्का हल्का, और उसके बाद हम फिर से अच्छे से
आधी कटोरी पानी डालेंगे। तो मिक्सर जार में थोड़ा मसाले लगे थे तो मैंने उसी में डालकर फिर इसमें ऐड कर दिया है। और इस मसाले को हम अच्छे से पानी में मिला देंगे। उसके बाद हमने जो सब्जियां स्टीम करके रखी थी उसे इसमें ऐड करना है और धीमी आंच पर इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है, जिससे कि मसालों में अच्छे से ये कोट हो जाए। तो ये लीजिए बैंगन आलू और करेले की एकदम नई रेसिपी। आपने तो करेला बैंगन आलू की रेसिपी खाई होगी पर भुने हुए चने की रेसिपी नहीं खाई होगी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी पक गई थी साइड में, मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर पराठा बना रही थी, तो पराठा थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने सोचा बनाऊँ। तो यहाँ पर रोटी बेली और उसके बाद तेल लगा लिया, थोड़ा सा इसमें हमने सूखा आटा लगा दिया, जिससे कि हमारी जो लच्छा पराठा है एक दूसरे से चिपके नहीं। और इस तरीके से हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर कट लगाकर इस तरीके से फोल्ड करना है। वैसे मैंने बहुत सारी पराठे की रेसिपी अपने बजट की रसोई पर डाल रखी है, आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाकर विज़िट कीजिए। अलग अलग तरीके से मैंने पराठा बनाना बताया है, आप चाय के साथ इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो बिना तामझाम के पराठे आसानी से बनाए जा सकते हैं, तो मैंने वो सारी चीज़ें इसमें अपने पराठे की रेसिपी में शेयर की है। तो इसे मैंने पराठे की तरह बेल लिया। अब इसे हमें गरम तावे पर डालना है, पर उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। यहाँ पर लोखन का तावा है, अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो ये चिपक जाता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा घी लगा दिया। फिर क्या है, पराठे की तरह से नॉर्मली हम सेकते हैं, वैसे ही हमें इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर ले लिए हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और हाँ, आप देश के किस कोने से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हाँ, तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने टिफ़िन लगा लिया। यहाँ पर एक टिफ़िन में मैं भरवा बैंगन आलू करेला दूंगी, उसी के साथ जो रोटियाँ बनाई थी उसे भी, थोड़े पराठे लच्छे पराठे नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए बनाई थी उसे गन्नू खा लिया। तो मैंने यहाँ पर पति बाबू को रोटियाँ ही दे दी और साथ में ही दही। दही काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो हमें दोपहर को दही खाना चाहिए। तो मैं अक्सर हस्बैंड जी के टिफ़िन में दही ज़रूर देती हूँ। तो उनका टिफ़िन तैयार हो गया है, अब मैं चल रही हूँ जल्दी से पैक करने। आपको मेरा ये टिफ़िन की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।